तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो पे। तो गाइस, टाटा अपनी नई हैचबैक कार अल्ट्रोस के बाद इस बार टाटा हैरियर की 7 सीटर वर्जन लॉन्च करने वाली है अगले महीने यानी कि फरवरी में। जी हाँ गाइस, ये गाड़ी टाटा हैरियर के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है जिसका नाम रखा गया है टाटा ग्रेविटस। इस गाड़ी में आपको हैरियर में जो जो फीचर्स मिलते थे वो सभी फीचर्स मिलने वाले हैं, बस इसमें थर्ड रो सीट इंसर्ट कर दिया गया है। और हाँ, इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगा जो कि आपको हैरियर में नहीं मिलते थे। इस गाड़ी में एंटरटेनमेंट के लिए आपको 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेगा और इस गाड़ी का व्हील साइज भी टाटा हैरियर से थोड़ी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो गाइस, अब अगर इसके हार्ट यानी कि इंजन की बात करें तो इसमें आपको सेम एस हैरियर 2.0 लीटर डीजल इंजन विथ 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा, जिससे आपको 140 पीएस ऑफ पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस होगी लगभग 18 लाख रुपीज़। और टाटा इसकी 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन पर भी वर्क कर रहा है, तो शायद लॉन्च के 3-4 महीने बाद मार्केट पे ग्रेविटस का पेट्रोल वेरियंट भी अवेलेबल होगा। तो गाइस, मुझे बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिल पाया है टाटा ग्रेविटस के बारे में। अगर मुझे ग्रेविटस के बारे में कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं आज ही एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो गाड़ियों से रिलेटेड अगर वीडियो आपको सबसे पहले देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साइड पे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो पे। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय हो।